हुण बेटा आपां दसवीं क्लास का अध्याय 15 दे 21 नंबर वाले सवाल करन जा रहे हैं। बेटा साढ़े हुण जिहड़े एग्जाम्स आ रहे हैं उहदे विच 21 नंबर वाले सवाल की बहुत महत्ता है। 8 सवाल साढ़े कोल जिहड़े 21 नंबर वाले होणगे। पहला क्वेश्चन है संभावना का सूत्र लिखो। संभावना का सूत्र की है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इंग्लिश विच नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये तुसीं याद रखना है। इस तरह एक पहला क्वेश्चन जिहड़ा बहुत इंपोर्टेंट है, संभावना का सूत्र आ सकता है। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। किसी घटना के वापरन जमा ना वापरन की संभावना। मैं संभावना चैप्टर तुहानूं करा चुका है, जेकर तुसीं मेरी संभावना चैप्टर की जिहड़ी इंट्रोडक्शन है उसनूं एक बार ध्यान नाल सुन लैंदे हो तो इस बाद सारे सवालों का जवाब तुसीं अपने आप दे सकदे हो। इस करके ध्यान नाल देखियो। किसी घटना के वापरन प्लस ना वापरन की संभावना की होंदी है, एक होंदी है बेटा। इसका ध्यान रखना है अकरेंस ऑफ एनी ईवेंट और नॉन अकरेंस। अकरेंस और नॉन अकरेंस की ईवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा की होंगी है, एक होंगी है। अगला सवाल देखो, अजिही घटना जो नहीं वापर सकती उसकी संभावना कितनी होंगी है बेटा, जीरो होंगी है। इंग्लिश विच की कहोंगे वट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ईवेंट विच कैनॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता। हैपन मतलब होना, कैनॉट हैपन मतलब ना होना, यदा मतलब वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो होगी। अगला सवाल देखो तीजा, अजिही घटना जिसका वापरना निश्चित ना हो। वही सवाल आ गया, सेम गल उही कर रहा है, जिहड़ी घटना वापर नहीं सकती या जिसका वापरना निश्चित ना हो उसकी संभावना कितनी होंदी है, जीरो होंदी है। इस सवाल का भी साडा की आया आंसर, जीरो आया है। दैट ईवेंट विच विल नॉट श्योरली हैपन, जो ज्योरी हैपन नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो है। ठीक है, जिहड़ी घटना दा वापरना निश्चित होवे अजिही घटना दी संभावना एक होंदी है बेटा, की होंदी है, एक होंदी है। दैट ईवेंट विच विल श्योरली हैपन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ईवेंट इज वन। किसी घटना दी संभावना डैश तो वड्डी नहीं हो सकती, एक तो वड्डी नहीं हो सकती, क्योंकि संभावना जीरो ते एक, ज़्यादा उहदा आंसर जीरो हो सकता है जां एक हो सकता है जां उहदे विचकार, ना जीरो तो छोटा ना एक तो वड्डा। तो उसने कहा किस तो वड्डा नहीं हो सकता, एक तो वड्डा नहीं हो सकता। तो इसे तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी मोर दैन वन। किसी घटना की संभावना डैश तो छोटी नहीं हो सकती बेटा, जीरो तो छोटी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी लैस दैन जीरो, इस गल का ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी जीरो तो छोटी नहीं हो सकती, एक तो वड्डी नहीं हो सकती। अगला सवाल है जेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सानू दिती है तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं पता करनी है। मैं तुम्हें समझा चुका है कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का होना तो ना होना दोनों का जोड़ एक है। जे तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मिल गई है तो ई नहीं पता करनी है तो तुम इसनों एक दे विचों घटाना है बेटा। एक दे विचों किसनों घटाना है, 0.05 नूं। देखो एक दे विचों जदों तुम 0.0 तो एक तो बाद दशमलव लगनी है तो दशमलव के थले दशमलव 0.05 तो इधर उपर 0 लग जाएंगे। हुण घटाना है बेटा, 0 का हासिल लिया, 10 चो 5 गए 5, इधर 9 रह गया, इधर 0 रह गया। तो साडा आंसर आया 0.95, साडा इस सवाल का आंसर होएगा। उदा भी तुम देखो इसको 5 पैसे कहने हैं तो 1 रुपए के 100 पैसे होंगे, 100 पैसे के 5 पैसे घटाए तो 0.95 95 पैसे ही बचते हैं। अगला सवाल है साढ़े को, किसी घटना की संभावना ऋणात्मक हो सकती है, पूछ रहा हो सू सही ज गलत। किसी घटना की संभावना ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक मतलब होंगे माइनस के अखर, जबकि मैं तुम्हें क्या 0 तो छोटा हो ही नहीं सकता। यदा मतलब तुम्हें क्या किसी घटना की संभावना ऋणात्मक हो सकती है, गलत। उसने कहा कि किसी घटना की संभावना ऋणात्मक हो सकती है, तो इसी की क्या कि गलत मतलब नहीं हो सकती, फॉल्स। अगला है किसी की किसी घटना की संभावना 125% हो सकती है, नहीं 100% तो ऊपर तो हो ही नहीं सकती। इहदा मतलब ये भी साडा आंसर की होएगा, नहीं, फॉल्स। अगला सवाल बेटा,